रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ब्रश में सिर्फ ये एक चीज को लगाकर ब्रश करने से गंदे दांत हो जाएंगे, दूध जैसे सफेद। कई सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और कई सारे लोग रोजाना ठीक से दांतों की सफाई नहीं करते और इन्हीं कारणों के वजह से दांत पीले और गंदे नजर आते हैं। महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने पर भी कभी कभी दांतों का पीलापन साफ नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसा आसान नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके दांत साफ और सफेद हो जाएगा। आइए जानते हैं नुस्खे के बारे में। जिन व्यक्तियों के दांत पीले होते हैं वे समाज में अपनी मौजूदगी से शर्माते हैं। इस तरह के लोग खुल के हंस भी नहीं पाते क्योंकि वे घबराते हैं कि कहीं कोई उनका मजाक न उड़ाए। हमने कई बार देखा भी है जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति हंसता है जिसके दांत पीले हो तो कई व्यक्ति उनका मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है जिस परेशानी से आज सामने वाला ग्रसित है कल वही परेशानी आपको भी सताए। दांतों का पीला होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। दांतों पर पीलापन कई कारणों से आता है जो बहुत ही मामूली सी की गई लापरवाहियों का नतीजा होता है। अगर आप अपने दांतों को सफेद करना चाहते हैं तो आपको बस खाने में इस्तेमाल होने वाले सोडे की जरूरत पड़ेगी। बेकिंग सोडा में ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो गंदगी को साफ करते हैं। अगर आप भी अपने दांतों को सफेद करना चाहते हैं तो कोलगेट में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर एक पेस्ट बना ले और उस पेस्ट से ब्रश कीजिए। इसके लिए आपको ब्रश करने से पहले सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करना होगा। थोड़े से बेकिंग सोडा में 5-6 बूंद नींबू का रुपए मिलाए और फिर उस पेस्ट को कोलगेट के साथ मिलाकर ब्रश कीजिए। ऐसा रोजाना 7 दिनों तक करने से आपको गंदे और पीले दांतों से छुटकारा मिल जाएगा।